हेलो एवरी वन दिस इज शिव नाइन्टी नाइन एंड आज मैं कोई गेम नहीं खेलूंगा आज मैं किसी भी तरह का फनी कमेंट्री या कोई भी कॉमेडी नहीं करूँगा यहाँ पे ओल दो मैं ज़्यादा करता भी नहीं था एनी anyway, वे तो आ, आज मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी स्टैंडर्ड ट्वेल्थ कम्प्लीट करेंगे और कुछ दिन के अंदर उनकी रिजल्ट आने वाली है तो यार डर रहे हो तो डरो मत टेंशन मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है और तो ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ और बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि अब क्या कर रहे हैं मुझे लाइफ में लाइक like अभी तक तो ठीक है मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट किया और उसमें अपनी जो भी अपनी सारी एफर्ट लगाई लेकिन अब क्या करूँ मैं तो so यार अभी मैं एक ही चीज़ तो मैं बोलूंगा कि अपना पैशन फॉलो करो। तुम समझो कि तुम किस टाइप के इंसान हो तुम कैसे इंसान हो क्या तुम एक आर्टिस्टिक इंसान हो या फिर तुम एक बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान हो या तुम एक टेक्निकल इंसान हो या फिर तुम किस टाइप के इंसान हो तुम्हारा पैशन क्या है तुम किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो इन सब चीजों को देखो लोग क्या कर रहे हैं एंड एज यूजल कोई शर्मा जी का बेटा कोई मनहूस बहन अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार तुम जो भी फील्ड अब सेलेक्ट करना चाहते हो सपोजिंगली एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर तुम साइंस लिए हो एंड यू ऑन अ गो फॉर इंजीनियरिंग और कई लोग ऐसे अभी तुम्हारे दिमाग में डाल रहे होंगे यार इंजीनियरिंग मत ले इंजीनियरिंग का क्या है इंजीनियरिंग में तो ये है वो है ऐसे वैसे जो भी है लाइक like, एक बात बता रहा हूँ अगर तुम्हारी पैशन है अगर तुम्हारे मन में वो इच्छा है कि नहीं मुझे ये करना है एंड भाड़ में जाए लोग तो तुम करोगे और तुम बनोगे जो तुम बनना चाहते हो लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो बिलीफ सिस्टम नहीं है वो पैशन नहीं है तो यार कितना भी एफर्ट लगा लो वो बात ही नहीं है यार वो चीज़ करके तुम कर रहे हो इंजीनियरिंग लेकिन तुम्हारा पैशन है फोटोग्राफी तो यार कोई मतलब नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम कर रहे हो इंजीनियरिंग और तुम्हारा पैशन भी है इंजीनियरिंग तो क्या बोलूँ यार तुम नेक्स्ट लेवल भागोगे तो इस चीज को समझो लोगों की बात मत सुनो अपनी बात सुनो जो भी बनना चाहते हो वो तुम खुद ही बन जाओगे यार अगर मैं सच मायने में बात करूँ तो एम या फिर कोई भी बहुत जो ऐसा टफ कोर्सेज है लाइक सी ए सी ये जो एकदम टॉप ऑफ द टफ कोर्सेज में आते हैं या फिर आई की बात करूँ मैं तुमसे तो यार ये सब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हलवा है आराम से हो जाएगा बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारे अंदर पैशन है अगर तुम्हारा बिलीव सिस्टम है कि नहीं मुझे करना है तो यार पीछे पड़ जाओ उस चीज के डरो मत किसी भी चीज में जो तुम करना चाहते हो उस चीज के पीछे भागो और सबसे बड़ी बात लोगों की सुनो लेकिन करना वही जो तुम्हारे दिल को पसंद है सब चीज सुनो पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज सुनो कि हाँ यार अगर इफ आई वॉन्टेड टू बी अ पेंटर सपोजिंगली तो लोग बोलेंगे यार आर यूल अर्न नॉट मोर देन दिस मच या फिर आ, तेरे को बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे मेनली लोग की बात होती है नेगेटिव बोलना और तुम्हारी बिलीफ सिस्टम उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ढूंढनी चाहिए तभी तुम आगे बढ़ोगे नेगेटिव सोचने के लिए तो हर इंसान कहीं ना कहीं नेगेटिव ही सोच सकता है आज तुम देखो मुकेश अम्बानी को इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं वो भी अनहैप्पी है किसी ना किसी चीज़ को लेके शायद वो अपने कंपटीशन को लेके या शायद किसी भी चीज को लेके जबकि मैं या तो तुम अगर उसकी लाइफ जी रहे होते तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम लोग एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं हम लोग उसे उस नजर से देख रहे हैं वैसे ही वो भी किसी और को मतलब वो भी किसी और को अपने से ऊंची नजर से देख रहा होगा और वो भी उसकी लाइफ को जीना चाहता होगा कोई टेंशन नहीं है यार आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो स्ट्रीम रिक्वायर मतलब स्ट्रीम तो रिक्वायर करते हैं ऑब्वियसली बट ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है जो वो खोजते हैं एंड देर आर मेनी 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 कोर्सेस जाओ स्टडी करो देखो एक्सप्लोर करो सबसे बड़ी बात है एक्सप्लोर करो और ऐसा जरूरी नहीं है यार कई बार इंसान फेल हो जाते हैं एक बार दो बार तीन बार दस बार भी फेल होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो कर लेते हैं वो लगन वो जुनून होना चाहिए यार करने के लिए वो तो आज तुम्हें कोई और आके नहीं देगा वो तुम्हें खुद से निकालना होगा और वो तुम खुद से करोगे और जरूर करोगे अगर वो पैशन है तो कि हाँ मुझे ये करना है और बस मेरे को इस चीज में आगे बढ़ना है अपने को ये पर्टिकुलर कोर्स हाँ, करना है या मुझे इस फील्ड में जाना है और ये मेरा पैशन है ये मेरा इंटरेस्ट है तुम हमेशा उनके सामने दब जाते हो या फिर हाँ पापा हाँ मम्मी हाँ ठीक है पापा हाँ मैं यही करूँगा पापा वो चीज नहीं करना है बॉस बार बार इस पैशन पे या फिर इस बिलीव सिस्टम पे बात क्यों कर रहा हूँ इसलिए लाइक like अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो ना फिर भी तुम उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना हंड्रेड परसेंट दोगे सबसे बड़ी बात है वो हंड्रेड परसेंट देना तुम हंड्रेड परसेंट कब दोगे जब तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है अगर तुम्हारी पैशन है तुम उस चीज के पीछे भागो यार तो यार ठीक है हो सकता है कभी कभी कुछ कुछ लोग को सक्सेस मिलने में टाइम लगता है लेकिन एक ना एक टाइम के बाद उन्हें सक्सेस मिलता है मैं बस अब इतना ही बोलूंगा आगे सोचना तुम्हारी काम है करना तुम्हारी काम है बस अपने आप पे विश्वास रखो टेंथ के बाद तुम्हें ये सोचना था कि तुम्हें आपके स्कूल में जाना है कौन सी स्ट्रीम लेनी है एंड ऑल लेकिन ट्वेल्थ के बाद नाउ आर गोइंग टू बिल्ड योर करियर नाउ आर गोइंग टू बी वन स्टेप अहेड इन योर लाइफ वैसे मैं ऐसे कंटेंट बनाता नहीं था बट uh, अगर फिर भी ये कंटेंट तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे तुम्हें आज बड़ा इजी लग रहा होगा कि यार अच्छा सही है यार ये स्ट्रीम ले लेते हैं आगे चल के कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइक like, कुछ ना कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कोई और स्ट्रीम ले लोगे या कोई और फील्ड सेलेक्ट कर लोगे जिसमें तुम्हारा पैशन नहीं है तो तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे कर पाओगे डेफिनेटली कर पाओगे लेकिन उसमें जो एफर्ट लगेगा ना वो तुम्हें समझ में आएगा और जिसमें तुम्हारा पैशन है उसमें अगर तुम अपना हंड्रेड परसेंट भी दोगे ना तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा बिकॉज यू आर 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 दैट यू यू डूइंग देयर तो इसीलिए यार बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जाके शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों या फैमिली मेम्बर को ये चीज ये वीडियो दिखाओ पर तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन और गेम प्ले वीडियो निकालते रहता हूँ यार एंड दिस वॉज शिव नाइनटी नाइन एम साइनिंग ऑफ बाय बाय एंड सी यू सून ब्यूटिफुल पर्सन